ब्रेकथ्रू के ऊपर। तो इधर थर्ड पार्टीज के ऊपर थर्ड पार्टीज चलता जा रहा है स्प्रे को, और उतरते ही उनको नॉक किया जाएगा। टीम हाइड्रा, उनको शायद आइडिया नहीं लगा था कि ऐसा भी हो सकता है। नो लव, उनको भी शटडाउन कर दिया जाएगा। रहने वाले आखिरी प्लेयर स्पर्श, और स्पर्श के ऊपर ये दारोमदार, और वो निभाएंगे भी टीम लाइक उजमाकी को करेंगे इधर बाहर, और उसी के साथ साथ एक जबरदस्त काफी चीजें हर एक स्पेस ओरा के साथ टीम उजमाकी की एक फाइट। टीम हाइड्रा वो रुकने का नाम क्यों नहीं ले रही? पहले टीम गॉडलाइक को तंग किया, अब आगे टीम उजमाकी को पकड़ चुके। हाइड्रा अब यहां से एक एग्रेसिव मोड पे आ चुकी है गेम्स को आना पड़ेगा अभी यहाँ से। लेकिन दूसरी तरफ नॉकआउट नहीं होने सर्वित को, टीम उजमा के खिलाड़ी को यहाँ पर समाप्त करने की घोषणा जी हाँ कर दी जाएगी। ऐसा पहले लगा था कि शायद वो भी क्लीन स्वीप, जी हाँ पहले लग रहा था कि थोड़ा सा दिक्कत आएगी जरूर, लेकिन पूरा पेशेंस की तरह उन्होंने यहाँ पर ज्यादा देखा इस एरिया पे। क्या हाइड्रा के साथ भी वही सेम हश्र होने वाला है जो कि आपको अभी जस्ट टीम ग्लोबल ईस्पोर्ट्स आता हुआ दिखा, या फिर यहाँ से चीजें बदलते देख सकती है, हालात बदलते देख सकते हैं। हाइड्रा वो टीम बने जो फिनिशर्स निकाल सकते हैं, बिकॉज थर्ड पार्टी खेलना इस पॉइंट में इज क्वाइट अ स्मार्ट मूव। मैं कहना चाहूंगा कि टीम ने जो मूव सोचा है वो कितना ज्यादा कारगर साबित होगा यहाँ पर। गोटेन के भी बहुत कम समापन उनका दिखेगा, स्पर्श के द्वारा एक अच्छी कनेक्शन आ दिखेगी गोटेन के ऊपर, बट ऐसे में थंडर वो आगे बढ़ेंगे, कुछ कनेक्शन ढूंढना चाहेंगे। थंडर का भी समापन दिखेगा, वो बिजली कड़कती दिखी लेकिन वो हाइड्रा के द्वारा होती दिखी, और आप देख सकते हैं कि 8 फिनिशर्स हाइड्रा के नाम पे आ चुके हैं। क्या हाइड्रा वो टीम है जो अच्छा खेलेगी गेम्स में? देखिए प्रेडिक्शन देना तो चाहता हूं चिकन की,